आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ट्रेड लाइसेंस ऑफलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है या तो फिर एक ट्रेड लाइसेंस को कैसे बनवाए। अगर आप कोई रूरल एरिया में रहते हो या तो फिर ऐसे एरिया में आपका बिजनेस है जहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन आपके पास अगर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने की फैसिलिटीज अवेलेबल हो और अगर आप ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना ही चाहते हो तो आपके लिए एक दूसरा वीडियो है, आप ऊपर आई बटन प्रेस करके वो वीडियो को देख सकते हो। हेलो, मेरा नाम है आकिब अहमद, बिजनेस पार्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नहीं हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया की हर एक सिटी, हर एक लोकेशन, हर एक पंचायत ऑफिस, हर एक म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस, हर जगह अभी तक मैनुअल ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशन करने की सुविधा अवेलेबल है। चाहे कितना भी ऑनलाइन फैसिलिटीज आ जाए लेकिन अभी तक भी आज के डेट में ऑफलाइन यानी कि मैनुअल एप्लीकेशन पॉसिबल है। आप में से बहुत कोई है जिसके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो बहुत कोई इसमें उतनी एक्सपर्ट नहीं है या तो फिर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। इसलिए मैं आपको ये मैनुअल प्रोसेस बहुत डिटेल में समझाऊंगा, वो भी बहुत इजीली। तो कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टेप वन, आपको जाना है आपका लोकल म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस या तो फिर पंचायत ऑफिस, आपका बिजनेस जो लोकेशन पर लोकेटेड है वहां का ही पंचायत या तो फिर म्यूनिसिपल ऑफिस में आपको जाना है और एक ट्रेड रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को कलेक्ट करना है। इसका प्राइस होगा 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक, ये डिपेंड करता है। अगर आपका पंचायत लोकेशन पे है तो ये प्राइस थोड़ा सा कम है, लेकिन आपका अगर म्यूनिसिपल एरिया में है तो ये प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। स्टेप टू, अभी आपका 2 कलर फोटो और 3 डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा। क्या क्या है ये डॉक्यूमेंट, चलिए जानते हैं। आपका पैन कार्ड और एक आपका फोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड या तो फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या तो फिर पासपोर्ट। ये 2 डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी या तो फिर जेरोक्स कराना है और हर एक कॉपी के नीचे आपका सिग्नेचर करना है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड भी कहते हैं, और इसको अटैच करना है आपका ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तीसरा डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस, मतलब जिस लोकेशन पर अपना बिजनेस है या तो फिर ऑफिस है या शॉप है, उस लोकेशन का या तो फिर उस प्रॉपर्टी का एक म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट या तो फिर एलआर का एक कॉपी या तो फिर प्रॉपर्टी डीड, इसमें से कोई एक कॉपी आपको सबमिट करना होगा। अगर आपका ये प्लेस आपके नाम पर नहीं हो तो फिर क्या होगा? डोंट वरी, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी आपका फैमिली मेम्बर जैसे कि आपका फादर या तो फिर आपका मदर के नाम पर रजिस्टर्ड है तो फिर उनसे एक NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करवाना होगा। NOC क्या है, कैसे लिखवाना है, ऊपर आई बटन प्रेस करके आप देख सकते हो। और अगर ये प्रॉपर्टी आपके किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर नहीं, किसी और के नाम पर हो, तो फिर आपको एक सिंपल रेंट एग्रीमेंट या तो फिर लीज एग्रीमेंट 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर बनवा के देना होगा। ये एग्रीमेंट कॉपी कैसे होता है, ऊपर आई बटन प्रेस करके भी देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने कलेक्ट किए थे उसको ठीक ठीक फिलअप करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, और उसके साथ मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट की जिक्र किए वो सारी डॉक्यूमेंट का एक एक फोटोकॉपी बनाना है और हर एक कॉपी में आपका सिग्नेचर कराना है और इसको सबमिट कराना है आपका लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस या तो फिर पंचायत ऑफिस में कोई भी एक वर्किंग डेज पर। एप्लीकेशन जमा कराने के साथ साथ आपको जो फीस है वो भी डिपॉजिट कर देना पड़ेगा और इसके ठीक 7 से 15 दिन के बाद आपका ट्रेड लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा और ये ऑफिस को आपको आखिरी बार विजिट करना है आपका ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। और हाँ, अगर आपका एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो फिर आपके लिए और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा जिसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इसको कैसे लिखवाना है, आप ऊपर आई बटन से या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कोई भी आपका डाउट्स या तो फिर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछें। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे Top 3 Mistake जो कि एक ट्रेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के दौरान हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।